नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़। और साथियों, आप लोगों को जैसा कि पता है, हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास के अंदर साथियों हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है गुप्त राजवंश। साथियों, गुप्त राजवंश गुप्त काल को हम पढ़ रहे थे, इसके शासकों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आप सब लोगों को पता है कि गुप्त राजवंश भारतीय इतिहास का क्या कहलाता है साथियों, स्वर्ण काल कहलाता है। अब वो स्वर्ण काल यानी गोल्डन जो एज है वो कैसे कहलाता है, क्या कारण है इसके पीछे, तो साथियों मतलब स्पष्ट जो कारण वो ये है कि इस काल के अंदर है ना, भारतीय जो समाज के अंदर जो बदलाव आया यानी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि प्रशासनिक जो बदलाव यहाँ पर जो मिलते हैं देखने को, वास्तुकला के अंदर मंदिर निर्माण की स्थापत्य शैली हम चर्चा करेंगे, चित्रकला में इत्यादि चीजों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों के अंदर एक है ना व्यापक उन्नति देखने को यहाँ पर मिली साथियों, विकास देखने को मिला। जितना विकास इस काल में हुआ अन्यत्र कहीं पर ऐसा विकास मिलता नहीं है। इस कारण साथियों इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उन्हीं विशेषताओं को जिसके लिए जाना जाता है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं साथियों। आज का अपना बिंदु यही है, ज्यादा मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा, विषय पर आता हूँ साथियों। यानी हम लोग एक राजवंश को पढ़ रहे थे, यानी कि गुप्त काल को हम पढ़ रहे थे साथियों। और अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो ये गुप्त काल की विशेषताएं। और गुप्त काल की विशेषताएं हम लोग साथियों किसके आधार पर पढ़ेंगे, अलग अलग आधार पर। तो सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें यहां पर प्रशासनिक यहाँ की व्यवस्था है उसके बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी होगी। तो एक चीज तो आप लोग ध्यान करना साथियों, प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है यानी यहाँ पर शासन करने वाले लोग कौन थे, किस रूप में शासन करते थे। तो सीधी सीधी बात है, आप सब लोग जानते हो साथियों ये राजतंत्र था। ये क्या था भैया, राजतंत्र था। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, राजतंत्रात्मक हो जाएगी, राजतंत्रात्मक। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है राजतंत्रात्मक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के लिए नोट आउट लिख करके लाया हूं ताकि आप हम फटाफट इन चीजों को कर सकें और क्रमबद्ध कर सकें। सबसे पहले तो साथियों एक चीज ध्यान रखना भैया, यहां पर राजा की उत्पत्ति का एक सिद्धांत भी काम करता था, राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ पर काम करता था साथियों। ये क्या होता था, कहने का मतलब राजा भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है, है ना, भगवान के बराबर ये देव तुल्य होता है राजा। तो ये थोड़ा सा धर्म राजा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत होता था। अब यहाँ पर साथियों अगर अपन चर्चा करें, राजतंत्रात्मक की चर्चा कर रहे हैं, तो राजतंत्रात्मक का जो प्रमुख कौन होता था, राजा। राजा ही साथियों प्रशासन, सेना, न्याय, सेना व न्याय का सर्वोच्च, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं राजा ही सेना, न्याय व ना प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह समस्त शक्तियां, मैं ये कह सकता हूँ राजा के पास प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक, या मैं कह सकता हूँ प्रशासन, सेना व न्याय पर पूर्णतः राजा का क्या होता था, नियंत्रण होता था, पर राजा का पूर्ण नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहां पर कर रहे हैं साथियों, पूर्ण नियंत्रण। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया राजा से संबंधित राजतंत्रात्मक, राजा की उत्पत्ति देवी सिद्धांत पर आधारित थी, राजा प्रशासन, सेना और न्याय, है ना, न्याय पर राजा का क्या होता था साथियों, पूर्ण नियंत्रण होता था प्रशासन के ऊपर, यानी सर्वोच्च अगर न्यायिक न्यायाधीश के रूप में चर्चा करें तो भी यही था। और किसी रूप में प्रशासनिक अधिकारी अगर सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी चलती थी, राजा की चलती थी। अब देखिए कुछ मैं चीजें आगे लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब राजा तो होता था, क्या राजा अकेला शासन कर लेता था, नहीं, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन होता था साथियों। मंत्री परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी ध्यान रखना, मंत्री परिषद है ना। और ये बात किसके अनुसार है, कालिदास खुद ये बात कहता है,
कालिदास के अनुसार एक चीज ध्यान रखना, इसे जब राजा के पास अधिकार है सबसे ज्यादा, फिर राजा अधिकार की सहायता के लिए मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद के अंदर भी अलग अलग विभाग होते थे, उन विभागों के अलग अलग प्रमुख होते थे, तो इसे हम कह सकते हैं साथियों सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कह सकते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना, एक तरीके से ये उदाहरण देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मंत्री परिषद कालिदास के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो देखने में आती है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामंतवाद का जो उदय होता है वो यहीं पर होता है भैया, सामंतवाद का उदय, ठीक है। जब यहाँ इस प्रकार के कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो ये भी ध्यान रखना सामंतवाद का उदय यहीं पर होता है, का उदय इसी काल में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब मैं अलग अलग कुछ विभाग आप लोगों को बता रहा हूं और उन विभागों के प्रमुख है उनको बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, केंद्रीय प्रशासन अपन इसे कहते हैं, तो एक बार आपने शायद इन चीजों को लिख लिया होगा, प्रशासनिक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक, राजा की उत्पत्ति, देवी सिद्धांत, राजा, प्रशासन, सेना, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी या सब पर नियंत्रण जिसका होता था, सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन, कालिदास के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण, कालिदास के अनुसार ही मंत्री परिषद का गठन था साथियों, और इसी सब में कालिदास थे, तो अपन चर्चा कालिदास के बारे में कर चुके हैं, नवरत्नों की, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में हमने चर्चा की है साथियों। अब लेते हैं अपन लोग कुछ और इसी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करें, वो अलग अलग विभागों में बंटा हुआ था साथियों, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय प्रशासन की चर्चा अपन यहां पर करें, केंद्रीय प्रशासन, और ये किसमें बंटा हुआ था, विभाग में, किसमें साथियों, विभाग में, और इसके अगर आप आगे चर्चा करें तो विभागाध्यक्ष, है ना, विभागाध्यक्ष या अपन इसे कह सकते हैं ये इस विभाग के क्या होते थे साथियों, मंत्री होते थे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है भैया, विभागाध्यक्ष या मंत्री। देखिए मैंने क्या क्या, केंद्रीय प्रशासन को क्या कहा जाता था, है ना, केंद्रीय प्रशासन किसमें बंटा हुआ था, विभाग में, ठीक है, और इस विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, प्रमुख को विभागाध्यक्ष या मंत्री कहा जाता था, अभी तक सामान्य बातें चल रही है। तो अब अपन चर्चा करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, मैं कुछ विभाग लिखा रहा हूं और उनके मंत्री लिखा रहा हूं क्या कहा जाता था। देखिए एक नंबर पर है महाबलाधिकृत, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिखा देता हूं यहां पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, महाबलाधिकृत ये साथियों सेना का सेनापति, सीधा लिख देता हूं मैं, सेनापति यानी सैन्य विभाग का प्रमुख हो गया। एक होता है साथियों अगर अपन चर्चा करें दो नंबर की, महादंडानक, बहुत इंपॉर्टेंट, दंडनायक कह सकते हैं, महादंडनायक, और महादंडनायक दंड कौन देता है साथियों, न्याय से मिलता है, तो न्यायाधीश ये होता था साथियों, क्या, न्यायाधीश, ठीक है। तो कुछ दो इंपॉर्टेंट, अब अगला देख लीजिए साथियों, भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत, यह होता था साथियों राजकोष अधिकारी, राजकोष अधिकारी, ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इनको लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौथा ले लेता हूं मैं साथियों, दंडपाशिक, दंडपाशिक अलग अलग विभागों के प्रमुख है, दंडपाशिक की चर्चा करोगे साथियों तो सबसे पहले दंड कौन दे देती है, पुलिस, तो पुलिस विभाग का प्रधान, पुलिस विभाग का क्या हो गया साथियों, प्रधान, ठीक है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें अगले अपने बिंदु की तो वो है साथियों महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह, संधि विग्रहक, महासंधि विग्रह की चर्चा करेंगे तो यह है साथियों युद्ध एवं शांति मंत्री,
ठीक है, ये महासंधि विग्रह। एक होता है साथियों महाअक्षपटलिक, तो ये है लेखा अधिकारी, बहुत महत्वपूर्ण है भैया, लेखा विभाग का अधिकारी। ठीक है, एक है प्रतिहार साथियों, कौन सा हो जाएगा प्रतिहार, सात नंबर अपना प्रतिहार। और प्रतिहार की चर्चा करोगे तो प्रतिहार क्या होता था, वैसे द्वारपाल होता है, लेकिन यहां पर क्या है अंतःपुर, अंतःपुर होता था जहां रानियां रहती थी, तो अंतःपुर एवं राजमहल का राजमहल रक्षा अधिकारी ये कौन होता था साथियों प्रतिहार। एक और नाम मिलता है वो है कुमारामात्य, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण है भाई कुमारामात्य, तो ये अपना सात नंबर है, आठ नंबर है क्या, आठ नंबर कुमारामात्य। और ये कुमारामात्य क्या होता था, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासन वैसे राजा के लिए मैंने उपयोग किया था ये शब्द, लेकिन ये उससे भी ना राजा से थोड़ा निम्न रहता था, तो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी यानी सर्वोच्च अधिकारी ये आपका होता था कौन सा, कुमारामात्य। एक और लिख देता हूं विन्य स्थिति स्थानक, एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है विन्य स्थिति स्थानक। एक एक बार ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा शिक्षा धर्म एवं जनता के नैतिक आचरण विभाग का मंत्री, एवं जनता के नैतिक आचरण विभाग का मंत्री, ठीक है ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। यानी कि अपन लोग चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसकी, गुप्त काल की, तो फटाफट देख लीजिए केंद्रीय प्रशासन हम पढ़ रहे थे, ये विभागों में बंटा हुआ था, इसके प्रमुख को विभागाध्यक्ष या क्या कहते थे मंत्री, कई जगह अधिकारी शब्द कई जगह मैंने लिखा है, तो ये भी उल्लेख मिलता है। महाबलाधिकृत सेनापति, देखो महान बल किसमें होता है, सेना में होता है, तो सेनापति। महादंड नायक, देखो महान दंड कौन देता है, वैसे दंड सबसे पहले पुलिस देती है, तो देखो दंड पाश्विक, पाश्विक मतलब पास में दंड कौन देता है, दंड पाश्विक मतलब पास में दंड है ना, तो पास में दंड तो पुलिस ही दे देती है, तो फिर महान दंड यानी सबसे बड़ा बाद में दंड कौन देता है, तो वो न्यायाधीश है, ठीक है आप सब लोग जानते हो। और भांडा गाराधिकृत, देखो यहाँ पर भंडार इस शब्द को आप पढ़िए भंडार, ठीक है भंडार राजकोष का भंडार, ठीक है राजकोष का भंडार, तो भंडाराधिकृत में क्या आ जाएगा, राजकोष अधिकारी, दंड पाश्विक हो गया। महासंधि विग्रह, देखिए संधि कब होती है, युद्ध होता है ना, युद्ध होता है तब, या शांति के लिए संधि करनी पड़ती है, देखो युद्ध एवं शांति मंत्री, ठीक है तो कहने का मतलब युद्ध हुआ शांति के काल के समय जो मंत्री है, तो महासंधि विग्रह, महान संधि यानी संधि कब होती है, युद्ध एवं शांति के समय है ना, विग्रह है, ठीक है तो दोनों चीजों ध्यान रखना आप लोग, संधि विग्रह यानी दोनों ही रूप में, अगर विग्रह हो गया यानी कि लड़ाई झगड़ा होना है तो युद्ध, और जब संधि हो जाती है तो शांति, ठीक है ध्यान रख लेना। महाअक्षपटलिक लेखा विभाग, देखो याद कैसे करना है, पटलिक, पटलिक मतलब पट्टी, अरे पट्टी स्लेट हम कहते हैं, पट्टी पाटी है ना, पाटी पटियापा, ठीक है तो ये, तो पटली का मतलब हो गया लेखना, लिखेंगे लिखेंगे कहां पर, पट्टी पर लिखेंगे, तो लेखा विभाग का अधिकारी। और इधर देखिए साथियों प्रतिहार सब लोग जानते हो द्वारपाल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतःपुर राजमहल रक्षा का अधिकारी है, अंतःपुर रानियों जहाँ वह महल जहां पर रानियां निवास करती है वो अंतःपुर है, और राजमहल का रक्षा अधिकारी। विन्य स्थिति स्थानक, विन्य स्थिति स्थानक शिक्षा धर्म व जनता के नैतिक आचरण का क्या, विभाग का मंत्री। और कुमारामात्य मैंने आपको बता दिया प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, कुमार ऐसे मान लो राजकुमार, तो कुमार कुमारामात्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये कुछ विभाग जो मैंने आप लोगों को बताए साथियों, किसके भाई, यानी कि गुप्त साम्राज्य के। अब अपन इसी साम्राज्य की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लेते हैं, ये केंद्रीय प्रशासन था साथियों, केंद्रीय प्रशासन, क्या केंद्रीय प्रशासन से हम आगे भी निकले प्रांतीय प्रशासन की ओर चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों की चर्चा वहां पर भी हम लोग कर लेते हैं।
एक चीज ध्यान रखना साथियों, इस प्रशासनों को कई रूपों में बांटा गया था, जैसे इकाई है, मैं यहाँ पर प्रशासन की कुछ इकाई बता देता हूँ आपको, प्रांतीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासन। अब अगर हम इसकी इकाइयों की चर्चा करें, यहां से एक प्रश्न आता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं कुछ चीज लिखा रहा हूं आपको। इकाई की चर्चा करते हैं हम लोग साथियों, यहां पर इकाई सबसे पहले हमने ये लिख लिया, उसके बाद नीचे लिख लीजिए साथियों इसके अध्यक्ष, या अपन इसे लिख सकते हैं क्या भाई, प्रशासक लिख सकते हैं, एक शब्द और काम ले सकते हैं प्रशासक, और क्या एक शब्द और लिख सकते हैं, प्रमुख, बिल्कुल लिख सकते हैं प्रमुख, ठीक है। तो एक तरफ मैं इकाई लिख रहा हूं, इकाई सबसे बड़ी यहां पर क्या है, देश, क्या है भैया, देश, और इसका कौन है, गोपता, इसका अध्यक्ष या प्रमुख कौन है, गोपता। उसके बाद आती है भुक्ति, तो भुक्ति का क्या होगा साथियों, भोगता नहीं होगा, उपरिक होगा, क्या होगा, उपरिक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। उसके बाद आता है विषय, और विषय का तो आप सब लोग जानते हो, विषयपति, और इसके बाद की जो इकाई है वो आपकी साथियों पेट, हालांकि इस इकाई को पहले उल्लेख नहीं मिलता है, बाद में इस इकाई का उल्लेख मिलने लगा कई स्थानों पर, है ना, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये है पेट, कौन सी इकाई है भाई, पेट, और पेट का तो पेटपति होगा, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हो पेटपति। अभी इकाइयां खत्म नहीं हुई है, आगे और चल रही है, ग्राम, क्या आ गया भाई, ग्राम, और ग्राम की, ग्राम का जो प्रमुख होता था वो होता था ग्रामिक, क्या होता था, ग्रामिक। कई जगह इस शब्द का अर्थ महत्तर भी लिखा मिलता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, प्रश्न आ जाता है कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, छोटी इकाई तो वो साथियों ये थी आपकी, कौन सी भाई, ग्राम, ठीक है, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और सबसे बड़ी इकाई तो बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना, आप लोग पहले से ही जानते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि देश का गोपता, देश का कौन, गोपता प्रमुख, भुक्ति का कौन, उपरिक प्रमुख, विषय का कौन, विषयपति प्रमुख, और पेट का पेटपति, देखो ये तो मिलते जुलते ग्राम ग्रामिक, लेकिन ये महत्तर याद करना, बहुत जगह ये शब्द भी मिलता है, पेट पेटपति, ठीक, विषय विषपति, भुक्ति उपरिक, देश गोपता, ये ध्यान रखना भैया, हाँ, देश गोपता, ठीक, और भुक्ति उपरिक, भुक्ति में भू आ रहा है, भू का अर्थ तो भूमि, और भूमि क्या होती है, उप, थोड़ी ऊपर होती है, तो उपरिक हो गया, और देश का आप लोग सीधा याद करोगे, देश गोपता, ठीक है, गोपता, ठीक, तो देश का प्रमुख कौन है, गोपता है, तो भुक्ति का उपरिक, विषय का विषयपति, पेट का पेटपति, ग्राम का कौन सा हो गया साथियों, ग्राम, ग्रामिक हो गया या महत्व हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे अपने ये, कुछ और चीजें ले लेते हैं, आर्थिक जीवन की कुछ बातें भी हम यहाँ पर करते हैं। एक चीज मैं और बता देता हूं, यहां पर गुप्त काल में प्रांतों की संख्या 8 थी, प्रांतों की संख्या 8, दामोदर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, दामोदर अभिलेख से जानकारी, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोग यहाँ पर इसके बारे में आराम से जान सकते हो। अब लेते हैं कुछ आर्थिक प्रशासन की और चर्चा कर लेते हैं, प्रांतियों के बारे में हमने चर्चा कर ली, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में काफी आप लोगों को बता दिया, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी साथियों, देश, और गोपता की हमने चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, भुक्ति की बहुत में है, वो भी जानेगा, भुक्ति की उपरिक, बाकी तो तीनों चीजें ना आराम से मिलती जुलती है, तो वो अपने आप ही ऐसे ही याद हो जाएगी। आर्थिक जीवन की चर्चा करें साथियों, तो आप सब लोग जानते हो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन लिख सकते हैं अपन लोग, तो आर्थिक जीवन का आधार क्या था साथियों, बताने की आवश्यकता नहीं है, आधार क्या था, कृषि, आर्थिक जीवन का आधार तो कृषि था, और व्यापार भी होता था,
काफी मात्रा में हमें यहाँ देखने को मिलता है। अपन बंदरगाहों की चर्चा जब करेंगे, देसी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, तो आर्थिक जीवन यानी आधार क्या था साथियों, कृषि था। अब मैं कुछ शब्द और लिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को देखने होंगे भूमि के प्रकार के रूप में, ठीक है। हाँ तो लीजिए, भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार और भूमि के प्रकार की चर्चा करेंगे तो देखिए कौन सा भूमि का प्रकार है, उसका नाम थोड़ा सा देख लेना, कुछ नाम आते हैं। एक नाम है वास्क साथियों, वास्क ये होती है वास करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि यानी कि निवास करने योग्य भूमि अपन कह सकते हैं, आवासीय भूमि। एक होती है सील, प्रश्न आ गया सील, बिना जुती, ठीक है। तो ये कुछ भूमि के प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए साथियों, अपन लोग यानी कि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा व्यवधान है,